गाइस रॉड के केस में मिनिमम वेलोसिटी कितना से हम लोगों को पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना चाहिए ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाए। सो गाइस रॉड के केस में मिनिमम वेलोसिटी √4gl से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉड के केस में कोई भी स्लैकिंग नहीं होता है, उसमें टेंशन फोर्स तो होता है लेकिन वो स्लैक नहीं करता है। इस कारण से ये √4gl से ही मिनिमम वेलोसिटी √4gl पर ही ये हम लोग का वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर जाता है। सो आई होप आप लोग जान गए होंगे कि रॉड के केस में मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए।